गांव वालों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला बताया था अभी वापस बताते हैं भाई, रुको तो सही। देखो मान लो कि आपके पास दो करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, एक में आई वन है एक में आई टू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डी। तो जो फोर्स लगता था, देखो सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्स होगा, पहले बता दिया था। तो जो फोर्स था अपने पास म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई नहीं था, आई वन आई टू था, डी था अपॉन में टू पाई डी था अपने पास, राइट। तो यहाँ पे एल आएगा, ये जो फोर्स का फॉर्मूला आपने लास्ट वीडियो में लिखा था, लास्ट वीडियो में जो आपने पढ़ा था, ये फोर्स का फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से, ये देखेंगे इस वीडियो में, यानी कि डेरिवेशन करेंगे इस फॉर्मूले का। तो छोटा सा डेरिवेशन है, कई बार क्या होता है डेरिवेशन नहीं करा तो बच्चे कहते भैया फॉर्मूले याद कराने वाली बात होगी, तो इसलिए छोटा सा डेरिवेशन है, मेन कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, फालतू की लाइनिंग मैं नहीं लिखवाने वाला, तो जल्दी से देख लो। अब होगा क्या, आपको करना क्या है इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, आपको एक कॉन्सेप्ट लेना है कि सिंपल सी बात है, मुझे पता है जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, है ना। तो इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा ले लो जिसकी लंबाई कितनी है एल, यहां से लेके यहां तक के हिस्से के हम क्या कह रहे हैं एल लंबाई है। अब इस वायर के हिस्से पे एल लेंथ के वायर के हिस्से पे अपने को फोर्स कितना लगना है ये निकालना है, तो कैसे निकालोगे, तो पहले तो देखो होगा क्या कि फोर्स क्यों लगेगा इस पे, ये जो बगल में करंट कैरिंग वायर है ये अपने आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, ये जो पहला वायर है ये अपने आसपास क्या करेगा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो अब इसी के बगल में ये रखा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो करंट है ऊपर की ओर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर होगा, अंदर की ओर, है ना। अगर आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे देखोगे इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर, अंदर मतलब क्रॉस मतलब क्या है, अंदर की ओर, राइट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से, पहले वायर की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कितना कह रहे हैं, बी वन कह रहे हैं। अब ये वाला कौन सा केस हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है आई टू, तो उससे फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा हम सिंस बोलेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले वायर की वजह से है और उसमें दूसरा वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है रखा हुआ है, तो जब भी कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसमें फोर्स लगेगा, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था। हम कहते हैं जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, एफ इजिकल टू बी आई एल साइन थीटा होता है, राइट। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है, अंदर की ओर, करंट किधर है ऊपर की ओर, तो एंगल कितना बनेगा 90, तो थीटा कितना लोगे यहाँ पे 90 डिग्री, तो जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो बी, बी किसका, पहले वाले वायर का, तो बी वन लिखेंगे। करंट किसका, दूसरे वाले का, जिस वायर पे फोर्स निकालते हैं करंट उसी का लेते हैं, तो यहाँ पे आई टू आएगा, इनटू में लेंथ कितनी थी इस वायर की एल था, और साइन थीटा साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो लिख नहीं रहा मैं, तो ये अपने पास फोर्स आया। अब आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना, डिराइव कैसे करोगे कुछ मत करो, बस बी वन की वैल्यू निकालो, इसमें लाके पुट कर दो, आंसर निकल जाता है। अब बी वन क्या था, बी वन इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू फर्स्ट वायर, अरे इसके आसपास तो पहला वायर ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, तो वो बी वन कितना होगा, इसके लिए आपको स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है और यहाँ आइकन बटन में भी आपको दिख जाएगा। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके देख लो ताकि ये वीडियो समझ में आ जाए, और देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रखा तो इस वीडियो के बाद भी जाके देख सकते हो आप, देख लेना। मैं यहाँ पे बताता हूँ, अगर कोई स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, क्वेश्चन मैंने वहाँ पे समझा रखा बहुत अच्छे से, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसमें जो करंट फ्लो करेगा अपने पास, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला था अपने पास, फॉर्मूला क्या था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में फोर पाई आई अपॉन में दूरी, दूरी कितना है डी, तो डिस्टेंस आई कौन सा है, पहले वायर का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर की वजह से हो रहा है ना, और यहाँ पे साइन फाई वन प्लस में साइन फाई टू का अपने पास फॉर्मूला हुआ करता था, राइट। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, और जहाँ क्वेश्चन में कह दे कि एक लॉन्ग वायर है, ये जो वायर है वो इन्फिनाइटली लॉन्ग है, तो उस केस में मैंने वहां बता रखा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताऊंगा, फाइव वन फाइव टू जो होगा वो 90 डिग्री लोगे सीधे सीधे यहाँ पे, और जो यहाँ पे साइन 91 होगा और साइन 91 होगा, राइट, तो 112 हो जाएगा। तो डायरेक्टली जो बी वन लिखूंगा वो लिख देता हूँ यहाँ पे कि सिंस बी वन जो आएगा अपने पास वो कितना आएगा, मिनट अपॉन में फोर पाई आई वन अपॉन में डिस्टेंस डी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में टू आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया अपने पास बी वन, इस बी वन की वैल्यू इसमें आके पुट करो, सीधे सीधे फोर्स का फॉर्मूला निकलेगा। मुझे मतलब आपको समझाना था कि डेरिवेशन कैसे करोगे, कुछ भी नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, बी वन, बी वन कैसे निकालोगे, स्ट्रेट वायर के फॉर्मूले से। दूसरा अपने पास जो जैसे ये वायर यहाँ पास में रखा हुआ है, यानी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसमें फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, बी एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा में बी किसका होगा, पहले वायर का, वो निकाल के पुट कर दो, आंसर निकल जाता है, सिंपल सा था। तो यहाँ पे बी वन पुट करूंगा, बी वन कितना आया वहां पे, यहाँ देखो मी नॉट अपॉन में फोर पाई आई वन डी इंटू में टू है, और यहाँ पे बी वन को हटा के ये लिखा इंटू में आई टू था इंटू में एल था, अब ये टू से टू काट दो, फाइनल फॉर्मूला जो अपने पास आना चाहिए था वो बन गया, तो मी नॉट आई वन आई टू एल अपॉन में देखो टू पाई डी बच गया, तो टू पाई डी, तो ये अपने पास फाइनल फॉर्मूला जो हम बार बार यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, वो निकल जाएगा। अब मैं जल्दी से आपको एक बार रिकैप कराता हूं, देखो करना क्या होता है इसके डेरिवेशन में, कुछ भी नहीं, आप समझोगे क्या कि
इस वाले वायर की वजह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जैसे इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ये वायर, तो होगा क्या कि ये कौन सा केस हो जाएगा, करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पे लगेगा फोर्स। फोर्स कितना लगेगा? BIL साइन थीटा। बस याद रखना बी किसका होगा? पहले वाले वायर का। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया है ना, यहां तक करोगे और यहां पे आने के बाद रुकोगे, यहां के आने के बाद रुकोगे और फिर B1 निकालोगे। B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। वो कैसे निकालोगे? इस वाले फॉर्म कॉन्सेप्ट से। यहां से जैसे आपने B1 निकाला, इसमें आके पुट कर दो, फाइनल फॉर्मूला अपने आप निकल जाता है। बस खत्म। पहला डायग्राम, बिल साइन थीटा, मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर का, पुटिंग, आंसर, खत्म। नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो इजीली समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि स्टार्ट होगा टॉर्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और गैल्वेनोमीटर, मजा भी आएगा। चलो तब तक के लिए भागो।